हमारा फिनिक्स मॉल का प्लान बन रहा था। A few hours later, प्लान कैंसिल करके हम आए हैं राजवाड़ा। ठीक है, लास्ट टाइम भी आए थे, इस बार भी आए और आगे भी राजवाड़ा ही आएंगे। क्योंकि So guys, आज हमें बताएंगे आपको इंदौर में 20 रुपए की चड्डी और 10 रुपए की बनियान कहाँ मिलती है। So guys, ऐसे कुछ नहीं है, वो सब टारगेट देखो आप तो सबसे पहले। और इधर से एक मेन रूट है, इधर का एक जो रूट है वो उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है अभी। गाइज, राजवाड़ा के अंदर ये सब किताबें हैं, यहाँ पर ये देख रही होगी आपको, ये सब बुक्स मार्केट है। और इधर की जो गली है, छोटी गली, इधर भी सब पुस्तक भवन, और यहाँ पे गली में पूरी अंदर किताबों की दुकान है। और यहाँ पर सारे पर्टिकुलर मार्केट अलग अलग है, बर्तन बाज़ार अलग है, ज्वेलरी बाज़ार अलग है, और पुस्तक बाज़ार अलग है, और रात में जो सराफा बाज़ार, जो सराफा बाज़ार लगता है रात में लगता है 10:30-11 के बाद में, तो वो मॉर्निंग तक चलता है। बाकी पूरा मार्केट क्लोज हो जाता है 10:30-11 बजे समथिंग। और बताते हैं आपको आगे, आज दिन के टाइम में अपन जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं। ये सोना लो चांदी लो, सोना लो चांदी लो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। इधर ये जो विजय चाट हाउस है ना, तो विजय चाट हाउस के बाजू से जो गली है, ये गली सीधा राजवाड़ा जाती है, मतलब राजवाड़ा नहीं सॉरी, ये सराफा जाती है। इस गली में ये जो गली है, जैसे पतंग वतंग लगे हुए, इस गली में रात में सराफा मार्केट लगता है। सराफा मार्केट इसी गली में लगता है, पीछे वाली गली के अंदर जो आपको बताया मैंने। ये भैया सॉक्स दे रहा है अपने को, लेकिन ये गणेश कैप मार्केट है, यहाँ भी विशाल मार्ट और डी मार्ट की तरह है। यहाँ पे भी अच्छे अफोर्डेबल प्राइसेस में कपड़े मिल जाते हैं। रश कौन, शूज दुनिया का सबसे कम रिजनेबल रेट, क्लेचर मार्केट। इधर से भी रास्ता है, उधर से भी रास्ता है। क्वालिटी तो अच्छी लग रही है इसकी। हम तो 350-400 में इसके 350 रुपए के अंदर। ये तो क्या फलो ना भैया, आप जानना ही, नगर निगम कितनी दिक्कत दे रही है, हम कितने मतलब घर की समस्या। अरे मैं तो समझ गया, वो उनको सोने वाली चेन कितने कितने की भाई, गोल्ड की 120 निकालो, मत निकालो 120 चांदी की साइड चेन है, ये भी चांदी की चेन है। इधर झुमके वाली चूड़ी, अभी हम गाइस ये महालक्ष्मी मंदिर है और हम यहाँ से जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। ठीक है, तो गाइस हमने ये कॉटन कैंडी ली है, इसको हम बुड्ढी के बाल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमें हमारी बुड्ढी को ज़्यादा पसंद है। ये कैसे दिया, 30 रुपये का ना दादा, ये कितने का दिया, और 8 रुपये इसमें अच्छी क्वालिटी का भी है क्या, और देगा ना खाली आता है। कर्ल वाला जो है, हेयर को राउंड करके स्ट्रेट करने के लिए ये ऊपर ले, और आ गए हरमाल दस में कुछ भी लो दस में भाई साहब। के अंदर समोसे भी आ गए वीक में, समोसे दिल्ली में कभी यार दे रहा है। अरे पांच मिनट दो भी बाहर जाऊंगा।
देंगे गाइस कुछ खाने पीने, ठीक है। क्या नाम है इसका भाई, उपवास के लिए क्या क्या है अपने पास? और भाई मीठा समोसा, गाइस ये मीठा समोसा रखा हुआ है, और ये साबुदाने के लिए वड़े और ब्रेड बड़ा, समोसा उधर पोहा। सो गाइस हमने जो समोसा मंगा लिया है वो लगा रहे गंगा को साथ, समोसा एकदम गर्म हाथ जल गया मेरा, वाओ। और ये जो मिर्ची है ना, इसकी बात ही अलग है, क्योंकि नमक लगा, मसाला लगा है, स्पेशल इंग्रेडिएंट लगे। और ये जो चटनी है ना, चटनी की मैं आपको क्या बताऊँ, अगर मैं आपको कैमरे में टेस्ट बता सकता था तो क्या ही बात रहती। इसलिए आप यहाँ पर आओ गुरु कृपा में, कहाँ पर? इंदौर। एड्रेस लिखो अभी के अभी, एड्रेस कहाँ का अपन कहाँ पर है अभी खुद को नहीं पता। राजवाड़ा के अंदर मेन गेट जो है राजवाड़े का, वो गेट के जस्ट सामने आप गुरु कृपा स्वीट, किसी को भी पूछ लेना, और किसी को ना कोई नहीं बताया तो मेरे को फोन लगाना, नंबर बता रहा हूँ। यहाँ पे आगे समोसा खाना बनाया हुआ है, और अगर आपका बंदों में से बंदी में किसी का उपास हो तो बिल्कुल ये खिचड़ी बनाते हैं और वड़ा बनाते हैं और लस्सी भी चल जाती है, तो ये उपास वालों के लिए अवेलेबल। हमने भी मंगाई है वड़ा, ठीक है, ये मैम का उपास है आज, और हमने मसाला डोसा भी मंगाया हुआ है, दो समोसे हो गए, और देखते आगे आगे क्या क्या बोलते हैं। ये हमारा मसाला डोसा, ये हमारा वड़ा है, साबुदाना वड़ा है, इसी को मिल ले, और हम इसको टेस्ट नहीं करेंगे, कर ले थोड़ा तो उनको घुटने के लगा देने दो, और ठीक है। खाना खिलाया तो भी मिल तो अभी इधर है, हम राजवाड़ा के अंदर ही अभी हम, ठीक है। बट आप लोग अभी हम जाएंगे समोसा, हाँ अभी सामान ले रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, हमारा मसाला डोसा। हाँ ठीक है ठीक है, तू तेरा काम कर, उनको छोड़ दे, तू निकल जाओ उधर, सांभर तो मेरे लेके। वो उनको छोड़ने गए स्टेशन।